वैसे तो आपने पेपर, कपड़े और कैनवस पर चित्रकारी जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनूठी चित्रकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये कला है जल सांझी की कला। इस कला में पानी के ऊपर सूखे रंगों से चित्रकारी की जाती है। जल सांझी उदयपुर की एक पहचान भी बन चुकी है। चित्रकला का ये प्रतिरूप उदयपुर में काफी प्रचलित है। आपको बता दें कि ये कला करीब 500 साल पुरानी है, जिसे खासकर कृष्ण मंदिरों में बनाया जाता है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्राद्ध पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या तक सांझी बनाई जाती है। सांझी मूलतः चार प्रकार की होती है, जिसके अंदर गोबर की सांझी, फूलों की सांझी, वस्त्र पर रंग डालकर सांझी बनाई जाती है, और चौथी सांझी होती है जल सांझी। जल सांझी एक ऐसी कला है जो पानी के ऊपर रंगों द्वारा बनाई जाती है, और इसके कलाकार बहुत ही कम हैं। उदयपुर में जगदीश चौक से नीचे उतरकर जब हम कलश मार्ग पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि वर्षों से एक कला को जीवित रखने के लिए एक पूरा परिवार लगा हुआ है। 500 वर्ष पुरानी इस कला के लिए राजेश वैष्णव अपने आप को इस परंपरा से जोड़े हुए हैं। जय सांझी के गिने चुने कलाकारों में से ये एक है। हम आज आपको उनसे मिलाएंगे और उनके द्वारा बनाई गई जय सांझी के को भी दिखाएंगे। उदयपुर में पानी पर पेंटिंग की जाती है। करीब 500 साल पुरानी ये पुश्तैनी कला जल सांझी कहलाती है। जल सांझी में भगवान कृष्ण की लीलाओं को पानी पर उकेरा जाता है, और इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जल सांझी बनाने में कम से कम 6 से 10 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें कि जल सांझी श्राद्ध पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या के बीच ही बनाई जाती है। ठाकुर जी के प्रति तो ये बात है कि हम जो बनाते हैं तो इस समय इन सांझी माता साक्षी है, मगर में प्यास लगती है या हमें भूख लगती है, इतना खो जाते हैं। शुरुआत से एक ही बैठक, एक ही सीटिंग के अंदर पेंटिंग बनाते 5-6 घंटे तक, उठने का नाम नहीं लेते, ठाकुर जी छोड़ते ही नहीं, ये रहता है हमारा, ये लगन है। ये आज जो बनाई है आपने, जी हाँ जी हाँ, तो ये क्या है और किस तरह से ये बनी हुई है? जी हाँ, ये रासलीला है, और वैसे शरद पूर्णिमा से अभी आई रही है, इस माह के बाद यह शरद पूर्णिमा लग जाएगी इसी ऋतु, तो शरद पूर्णिमा का जो रासलीला का जो महात्म्य है, तो हमारे जलसांझी में 14 का दिन है, 14 के दिन ही है, क्योंकि कल अमावस्या है, तो पूर्णिमा को चतुर्दशी को हमने प्रयास किया है कि रासलीला जो शरद चांदनी के अंदर ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया गोपी श्री राधे मोहिन मत्ति करे, ये रासलीला हमने बनाई। जल सांझी में पानी से भरे बर्तन में चित्र बनाया जाता है, और पानी को स्थिर बनाए रखना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कलाकार इसे सालों से बनाते आ रहे हैं। पानी से भरे बर्तन में पानी को स्थिर करके उसमें कोयले और सूखे रंगों की परत बिछाई जाती है, फिर धीरे धीरे चित्र को अलग अलग रंगों से तैयार किया जाता है। जल सांझी की चित्रकारी देखने में भी काफी अद्भुत दिखाई देती है। उदयपुर के रहने वाले 60 साल के राजेश वैष्णव पिछले कई सालों से इस जल सांझी को बनाने का काम कर रहे हैं। राजेश वैष्णव को ये हुनर विरासत में मिला है। ये वैष्णव परिवार की 18वीं पीढ़ी है जो इस कला को संजोए हुए है। ऐसी मान्यता है कि यमुना नदी पर कृष्ण के इंतजार में जब राधा नदी में फूल या रंग फेंकती थी तो उससे कृष्ण की आकृति उभर जाती थी, तभी से इस जल सांझी को बनाया जाता रहा है। पहले इस तरह की जल सांझी मथुरा और गोकुल में भी बनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कला लुप्त होती जा रही है, और वर्तमान में इस तरह की जल सांझी अब सिर्फ उदयपुर में बनाई जाती है। और ठाकुर जी की कृपा से भारत सरकार है और बड़ी बड़ी संस्थाओं में जैसे तो हमें इनवाइट भी करते हैं, जैसे अभी दरबार हॉल में सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने उसी राजसी परिवार के महाराणा के लक्षराज सिंह जी, उन्होंने इस जलसांझी को मेरे को मेवाड़ गौरव के नाम से सम्मानित किया, और G20 में भी इसका कार्यक्रम हुआ, और हमारा तो यही प्रयास है और सरकार से ही निवेदन है कि कम से कम इस कला को हम हमारे स्तर पर तो अभी तक इतनी 19 पीढ़ियां हो गई, प्रयास करें कि चलती रहे, लेकिन इसकी कोई एग्जीबिशन बने, कोई संग्रहालय बने, जिसके हमारा परिवार ये बनाता रहे और आने वाले स्टूडेंट्स को भी हम सिखाए, ताकि ये कला और आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास है। अगली पीढ़ी में तो मेरे दोनों जो बेटे हैं तो वो दोनों इस पेंटिंग को बनाते, और बचपन से ही देखते देखते वो स्वयं सीखे,
और वो स्वयं बनाते हैं। यहाँ तक कि सच्ची बात है, मेरी 10 साल की जो पोतरी जो है वो भी कुछ मोर है, मछली है, कुछ न कुछ छोटे से रूप बनाते। और ये मैं अपने जन्म से देख रहा हूँ, अब 60 वर्ष की उम्र होने आई है मेरी, और मैं बराबर इस कला को देख रहा हूँ मैं। और ये उससे पहले भी पिताजी और उनके दादाजी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला चलती आई है, और उसी ढंग से ये कला यहाँ पर इसके ऊपर जल के ऊपर प्रदर्शित हो रही है। और बहुत अच्छा है यहाँ पर, ये 5 दिन तक ये संध्या बनती है और सब अच्छा मनोरथ होता है, बढ़िया जगह बनती है। इसका कारण ये है कि ये संस्कृति धीरे धीरे से लुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि ये काफी वर्षों से आई है और इनको राजेश 500 वर्ष पुरानी है ये, और ये राजेश जी की ने ही इस धरोहर को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे इनकी आने वाली पीढ़ी भी इस धरोहर को संभाल के रखेंगे। ये हमारे साथ राहुल जी है, बताइए किस तरह से लगता है जब आप जल सांझी के दर्शन करते हैं और क्या महसूस होता है? जैसे हम वृंदावन में गए हैं ना, जैसे हमको लगता है जल सांझी का दर्शन करके हमारा दिल बहुत खुश हो गया, जैसे हम वृंदावन में खड़े हैं ऐसे लग रहा है। इसकी लीलाओं का इसमें हर दिन 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है, इसमें प्रत्येक दिन रोज नई कृष्ण की लीलाओं को उकेरित किया जाता है पानी के ऊपर, और पानी के ऊपर ही ये लीलाएं सारी रचित होती है। हमारे साथ एक वृद्ध भाभी भी है, उनसे पूछते हैं कि क्या बताइए। बहुत अच्छी लगती है सांझी, ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं जैसे भगवान खुद नीचे जमीन पे आ गए हो, हमको रास लीला बताते हैं। एक युवा पीढ़ी की लड़की है जो यहाँ पर आई है, और वो क्या महसूस करती है हम उनसे पूछते हैं कि जब इस तरह की आपने कैनवास पेंटिंग देखी, अलग अलग तरह की दीवारों पर पेंटिंग, लेकिन जब जल सांझी देखते हैं पानी के ऊपर पेंटिंग, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है देखकर हमें ये, इससे मतलब पता चलता है कि पेंटिंग जो है कैनवास पर दीवार पर ही नहीं पानी पर बन सकती है। एक मतलब कला का एक नया रूप है जो मतलब पहले चलता आ रहा है पर ये लुप्त होता जा रहा है। जल सांझी की इस कला में श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों का चित्रण किया जाता है, और ये कला सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जाती है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस तरह की पौराणिक कलाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। NDTV के लिए उदयपुर से संजय व्यास की रिपोर्ट।